ऑटो और ई रिक्शा में बैठने वाली सवारियों के साथ कई बार चोरी और लूट की घटना हो जाती है। पहचान नहीं होने के चलते पुलिस को घटना का खुलासा करने में एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। लेकिन अगर सवारियां वाहन का नंबर नोट कर बैठें तो क्या इससे इस तरह की घटना पर रोक लगाते हुए उसका खुलासा भी जल्द किया जा सकता है? जब इस बारे में सवारियों से पूछा गया तो लोगों ने सी न्यूज़ की इस पहल का स्वागत किया। अब हम जरा देखते हैं कि जो सवारियां आ रही हैं उनके किसी के पास भी ऑटो का नंबर है कि नहीं है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम सुंदरगंज पुलिया से आ रहे हैं। अच्छा, कि अगर आपके साथ कोई घटना घटित हो जाए तो आप कैसे सूचित करोगे किसी को? घटना घटित हो जाएगी तो हम सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे पुलिस स्टेशन पास में। तो पुलिस के पास ऐसा कौन सा फार्मूला है जो जिस गाड़ी में घटना हो रही है उनको पता है? नहीं, बताएंगे, हम इन्फॉर्म करेंगे ना। तो आपको तो गाड़ी नंबर पता ही नहीं होगा तो आप बताएंगे कैसे? नंबर तो हम पहले से ही चेक करके बैठते हैं कि फलानी गाड़ी, जैसे सपोज ये गाड़ी नंबर है UPSC ET 6135, तो सबसे पहले हमारी नज़र सबसे पहले उस पर नंबर पर ही जाती है। तो कोई गाड़ी का फोटो खींचते हो नंबर का? गाड़ी का फोटो नहीं, हम याद कर लेते। भूल गए तो कम से कम फोटो अगर खींचेंगे तो कैसा रहेगा? नहीं जी, आपका बहुत अच्छा पॉइंट है कि जैसे कि आपने बताया कि गाड़ी का फोटो खींचना जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बैठने से पहले अगर आप फोटो खींच लें, आपके साथ कोई घटना अगर घटित हो जाती है ऑटो में, कम से कम वो सेव रहेगा। चाहे जल्दबाजी में हो, चाहे आप देर में हो, कोई भी हो, लेकिन अपने घर से व्हाट्सएप पर अगर भेज दें तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा ये। इनका कहना है कि ये सजेशन तो अच्छा है, और भी सवारियाँ यहाँ पर आ रही हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या इस तरह का अगर प्रस्ताव अगर किया जाए, इस तरह से अगर बातचीत की जाए तो वो कितना अच्छा रहेगा। सवारी यहाँ पर एक दो और घूम रही हैं, जरा हम उनसे बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आए हुए हैं। अरे भैया, ये देखिए यहाँ आए, आप कहाँ जाना है आपको? पीलीगढ़। पीलीगढ़ जाना है जी। तो ये बताओ कितनी देर से घूम रहे हो आप यहाँ पर? मुझे 5 मिनट हुए हैं। 5 मिनट हो गए जी। सामान भी होगा, पैसा भी होगा आपके साथ में जी? अगर आपके साथ कोई घटना घटित हो जाए फिर क्या करेंगे आप? क्या करा जाएगा? कैसे करेंगे? आप जिस ऑटो में बैठ के जा रहे हैं जी, उस ऑटो में मान लीजिए आपके साथ कोई वारदात हो जाए, फिर आप कैसे उसको जानकारी हासिल करेंगे मेरे साथ कौन था, किसने किया? अब परदेशी आदमियों क्या जानकारी होगी, क्या है क्या नहीं, लेकिन अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। क्यों नहीं, अगर आप बैठते समय ऑटो में ऑटो का नंबर सेव कर लें, फोटो खींच लें उसका, आप अपने घर पर उसको भेज दें तो आप सेफ हो गए नहीं हो गए? सेफ होंगे बिल्कुल। कैसा रहेगा अगर ऐसा करने लगेंगे तो? बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। अभी तक कभी किया था ऐसा? नहीं, नहीं। अब करेंगे। क्यों करेंगे? अब सेफ्टी के लिए करेंगे जी। मतलब ये अच्छा है? बहुत अच्छा है। अच्छा है, ठीक है। तो ये तो मान गए, इनका कहना नहीं ठीक है, लेकिन करते नहीं है लोग। मोबाइल तो होगा आपके पास ना? मोबाइल है, बड़ा मोबाइल है, आप फोटो खींच सकते हैं, लेकिन इस मोबाइल से आप फोटो नहीं खींचते हैं। आपको खींचना चाहिए, क्योंकि कोई घटना अगर घटित हो तो कम से कम उसका खुलासा हो सके, पकड़े जा सके व्यक्ति को। और भी हम देखते हैं यहाँ सवारियाँ बैठी हुई, इनसे ज़रा बात करते हैं क्या इन लोगों ने कुछ ऐसा किया है। सवारी अंदर है, एक मिनट हटिए ज़रा। ये बताइए कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम तो घूमने आए थे, दिल्ली वापस जा रहे हैं। कहाँ से घूमने आए हैं? कहाँ से? गुड़गांव से। गुड़गांव से घूमने के लिए आए हैं। मोबाइल है? दिखाइए मोबाइल कहाँ है। पर्स में रखा। और भी कोई साथ में है क्या? अच्छा, आप भी हैं साथ में? एक सेकंड में आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। देखिए हम बात करते हैं इनसे ज़रा कि ऐसा लोग करते नहीं हैं अमूमन। देखिए आप ये बताइए, आप इस गाड़ी से आ रहे हो, आपके साथ सामान भी है, आपके साथ पैसा भी है, आपके साथ पर्स भी है। अगर बाई चांस मान लीजिए किसी भी ऑटो से कोई घटना अगर हो जाए तो आप उसको कैसे चिन्हित करो, कैसे पहचानोगे? ये तो या तो नंबर नोट कर लें जब भी पता पड़े। तो आप तो नंबर नोट किया नहीं होगा आपने? नहीं, हमने तो नहीं किया था। करना चाहिए ना? करना तो चाहिए। है? करना तो चाहिए। तो अब आगे से क्या करेंगे? आगे से जरूर करेंगे। ज़्यादा जल्दबाजी में हो क्या? ना, जल्दबाजी तो कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा लोग करने लग जाएं तो जो घटनाएं होती हैं उस पर अंकुश लगेगा कि नहीं लगेगा? बहुत ज़्यादा ही लगेगी। बहुत ज़्यादा ही अंकुश लगेगा। चलिए फोटो खींच के दिखाइए मुझे ऑटो के पीछे ज़रा। ये देखिए, आज से इनका काम शुरू होगा, क्योंकि ये अवेयरनेस का मामला है ये, और तमाम घटनाएं ऐसी हो जाती हैं। और ये देखिए एक सवारी है ये, अब ये यहाँ से, ये गुड़गांव से हैं, अब ये फ़ोटो खींच रहे हैं सवारी का, इसका फ़ोटो खींच रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो इनका ऑटो है जो ले जाएगा इनको, ये खींच रहे हैं उसकी फ़ोटो, देखिए आप जो वहाँ से। तो ये अगर ये कभी मान लीजिए कोई भी ऑटो, कोई भी वारदात इस तरह घटना अगर करता है तो इसका कम से कम अब आपके पास प्रूफ हो गया कि मैं इस ऑटो से इस जगह से बैठा था, तो आप कैसा रहेगा ये? ये बहुत बेटर रहेगा। हम लोग जो कार्यक्रम चला रहे हैं कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक कभी किया था आपने ऐसा? ना, नहीं किया था।
नहीं किया था कभी आपने, अमूमन लोग करते नहीं हैं, सवारी अंदर भी उनसे बात करते हैं। अगर आप जिस गाड़ी में बैठे हैं, चाहे ऑटो में बैठे हैं, चाहे मयूरी में बैठे हैं, या आप बस में बैठे हैं, या आप किसी जीप में बैठे हैं, टैक्सी में बैठे हैं, आप उस गाड़ी का नंबर तो नोट करते नहीं कभी? नहीं, कभी नहीं करते। करना नहीं चाहिए? करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्या होगा उससे? अगर कोई हादसा हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो उसके बारे में हमें पता चल सके कि हम इस जगह से बैठे थे, इस गाड़ी में बैठे थे। अब आपको ध्यान रहेगा ना ऐसा करने के लिए? करेंगे। हाँ, ध्यान रहेगा, जरूर करें। ऐसा प्रयास हम लोगों का बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कैसा प्रयास है गुड़िया? बढ़िया, नाइस, बढ़िया बढ़िया। आप करेंगे? मैं क्यों करूं? ये केवल सी न्यूज के एक जनहित में एक प्रोग्राम है, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आए और लोग बैठते समय ऑटो का नंबर खींच करके अपने घर परिवार को भेज दें, ताकि जो है लोग घटनाओं से बच सके। अगर उनके साथ कोई घटना घटित हो भी जाती है तो कम से कम उसका पता चल सके, आसानी से उनका सामान बरामद किया जा सके। लेकिन ये ज़रूरत है अवेयरनेस लाने की, ज़रूरत है लोगों को इसके बारे में जानकारी हासिल कराने के लिए, ज़रूरत है इस पर लोगों को बताने के लिए कि लोग इतना जागरूक हो, सबके हाथ में मोबाइल है फ़ोटो खींचने के लिए, नंबर ज़रूर ऑटो का खींच लें, अपने परिवार को भेज दें, और इससे जो है उनकी सुरक्षा खुद हो जाएगी। कैमरा पर्सन मनोज साध, विनोद जूनियर, सी न्यूज़ आगरा।